आगे दिखाइयो एक बार यो किक वाकई में भी प्रेशर वाली है। ये तो हाथ है और किसी का मुंह तो दांत टूटे जाओ भाई। मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब जो लड़की होती है आप उसको एक बार आजमा के देखो, लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, कहीं ना कहीं दो कदम आगे ही मिलेगी। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा सेप अप के सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हूँ जींद में, जींद के स्टेडियम में और यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आई है। हेलो बेटा, हाउ आर यू? अरे क्या नाम है आपका? अमीशा। ओके भाई, ये छोटी सी गुड़िया इतनी छोटी की मेरे बैठने के बाद भी छोटी है ना? अच्छा प्रैक्टिस करते हो आप? किस चीज की? रेस, रेस की ना। तो भाई ये हमारी प्यारी सी गुड़िया है और दिल्ली से, दिल्ली से आए हो ना? हाँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हो? शमशान घाट। बड़ा खतरनाक एड्रेस बताया यार। निकलो आप, निकलो। ओके ओके ओके। तो स्कूल में जाते हो? कौन सा स्कूल में? कौन सी क्लास में? स्कूल का नाम बताओ। पीपी टू। ये क्लास होती है क्या? पीपी टू क्लास होती है। ओके तो आप समझ ही गए होंगे कितनी छोटी सी है, हाइट में भी और उम्र में भी अंदाजा सा 4.5 साल की यह गुड़िया है और यह इतनी अच्छी रेसिंग कर रहा है कि बस पूछो ना। रेस करोगे भाई? हम सारे ही रेस मारोगे ना, तो एक बार इनके साथ रेस लगा लेगी है ना। तो भाई इस गुड़िया के लिए एक बार रेस मार का फिर मैंने नू बताइए थम सारे यह रेस कितनी अच्छी कर रहा है। ठीक है चलो भाई एक बार राउंड मार का। चल बेटा चलो चलो। देखो ये गुड़िया इन छोटी सी गुड़िया और इनके साथ रेस लगाओगी, इनसे जल्दी जीती हो बाकी इनसे फटाफट। तो रेस करती है लड़की। माँ बाप यहाँ पे हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब। राम राम। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं जी राम राम। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। अच्छा छोटू क्या हाल है? अच्छा कबड्डी खेला कर रहे? हाँ। अरे भाई तो भाई इनकी वो गुड़िया है और ये प्रैक्टिस करवाने लग रहे हैं, रेस की प्रैक्टिस करवा रहे। रेस की प्रैक्टिस करवा रहे। ओके भाई, रेस के साथ वह गुड़िया जूडो कराटे ताइक्वांडो भी खेल रहे हैं। उसकी किक इतनी फास्ट थी कि आज में तक सरन सरन हो रही है, मतलब सुपर लड़की है वो। सुपर मैं मेरे बड़का ने भी लाया था। बस रेन दे रही हूँ मुंह भर है जमा, इतनी प्रैक्टिस होली इसकी भी। तो भाई मेरे दोनों बड़का गले उसकी रेस मरवा के देखी, उस छोटी सी छोरी ने ये जान नहीं दिया भाई रेस में, इतनी हैवी प्रैक्टिस करी छोरी ने। कितने घंटे प्रैक्टिस कराओ भाई साहब? भाई साहब ये 3.5 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती है। 3.5 से 4 घंटे डेली सुबह शाम 1.5 घंटे सुबह और 2 घंटे से 1.5 घंटे कभी 2.5 घंटे और टाइम पे डिपेंड करता है क्योंकि इसकी क्लास भी होती है। डेली की इसकी एवरेज 4 घंटे की निकलती है। तो खान खुन ने क्या स्पेशल प्रैक्टिस? खान ने भाई साहब ड्राई फ्रूट्स का स्पेशली इस पे ध्यान होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, घर का घी है अपना। और वही 4 साल की गुड़िया है, चलन किस टाइम लगी, बोलन किस टाइम लगी, खड़ी होने किस टाइम लगी। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है जी कि भाई ये एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। ये 7 महीने की चलने लगी थी, 2 महीने की बिल्कुल साफ बोला करती। अच्छा हमारे सामने स्कूल था जी देखिए भाई छोरी भाई सब फिर रुकूंगा आपने। भाई राम राम। नमस्कार। अच्छा कैसी कर रहे? बहुत बढ़िया। 4 साल के बच्चे होते हैं हाँ जी, तो वैसे तो है ही नहीं जैसे हम, मतलब नॉर्मल तो है नहीं यार। नहीं हमारे स्पीड में आ रहे साथी, देखा भी होगा। हाँ हाँ कैसी रेसर थी भैया? बहुत बढ़िया भाई साहब। तू तो पीछे भी रह गया। अच्छा चलो थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। सांस नहीं चढ़ी तेरे? टल्ली मर गई छोरी के भाई, क्या बात है। तो अब पूछा थे भाई। अच्छा हाँ यह किस टाइम चालन लगी थी? इंटरेस्टिंग टॉपिक। या भाई 7 महीने की चालन लगी थी और के है कि सारी इंडिया थोड़े जागृती, जब देखो बेड पर छोड़ रही है, बेड पर तो कूद रही है, नीचे कूद रही है। तो यार 9 महीने की पैदल चलने लगी थी, हमारे सामने स्कूल था, इस टाइम 1.25 साल की थी। जिद करके खड़ी होगी पापा स्कूल जाना है, मैंने सोचा कि देख लेते हैं खेल भी आएगी इस बहाने बच्चों में। उस दिन के बाद ये कंटिन्यू प्ले स्कूल में जाने लगी। इतनी सीरियस होगी? इतनी सीरियस होगी और खेल के प्रति इसका इतना जबरदस्त नजरिया था। जैसे भी हम कोई मूवी देखते हैं कोई एथलेटिक बंदा मिलता है, ऋतिक रोशन होता है, हेमा दास जिसको बहुत पसंद है, बोल्ट की वीडियो हमेशा देखती है रेस के, हुसैन बोल्ट के, हुसैन बोल्ट
के, तो ये बोलती थी पापा इनकी ये कैसे भागते हैं, इतनी फास्ट कैसे है, क्या खाते हैं ये, तो हम इसको बताते हैं, तभी से इसका इंटरेस्ट ऐसा बना हुआ है कि ये कंटिन्यू रेस में बहुत बढ़िया करती है। क्या बात भाई, छोटी सी गुड़िया इन्हें दोनों बालक जीतने नहीं दिए, बहुत बड़ी बात है यार। और ऐसे माँ बाप ऐसी गुड़िया कितने घंटे प्रैक्टिस करा कर छोटी, चार घंटे टाइम देखना हुआ है, सच्ची बता एक मिनट फोन में देख लेती है। अच्छा ये तो घड़ी बंद हो रही है। अच्छा और पापा डांटते हैं आपको, कागज सी है कागज सी। पापा कभी नहीं डांटते। अच्छा भाई साहब अब आगे की प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस भाई साहब बिल्कुल जोरों पर है, ये मेरे को सपोर्ट करती है, सुबह पांव जब खुद उठ जाती है और अपना बैग पैक करके बोल देती है पापा उठो ग्राउंड चलो। अच्छा में होते हैं और प्रैक्टिस दबा के वो फिल्म थी बापू बेटी, बापू हानिकारक है भैया मेरे लिए हानिकारक ये उठावा आपने मेरे को उठाती है ये। और हम सुबह पहुंचे ग्राउंड पहुंच जाते हैं, सुबह ये रनिंग की प्रैक्टिस करती है और शाम को ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करती है अपने कोच के साथ। इतनी प्रैक्टिस थकती नहीं? अच्छा मैं थक गया। चलो ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब जो लड़की होती है आप उसको एक बार आजमा के देखो, लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, कहीं ना कहीं दो कदम आगे ही मिलेगी। जो प्यार और जो सम्मान आपको लड़की दे सकती है ये भगवान का गॉड गिफ्ट है कि हमें लड़की मिली है। और आप भी अपनी लड़कियों को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करो जो डिजर्व करती है। तो भाई देखते हैं इस गुड़िया में थोड़ी सी और अगर ये प्रैक्टिस कर लेगी तो या। अच्छा कॉम्पिटिशनों में लेके गए हैं आप इसने, कभी जीती है? मैं जी इसको कम से कम 20-21 कॉम्पिटिशनों में लेके जा चुका हूँ। अच्छा ये आज तक कभी नहीं आ रही, अपनी एज से 2 साल की लड़कियों को कभी नहीं छोड़ा इसने, और हमेशा लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती है तो और हार्ड प्रैक्टिस होती है और यही इसका फायदा होता है कि ये कभी लड़की से नहीं आ रही। तो भाई अभी ये गुड़िया ऊपर से बुलाई यार, 4-5 बार बुला ली, ऊपर जाके प्रैक्टिस ही कराए, सारे दिन ये प्रैक्टिस में लगी रहो भाई साहब घर भी मैंने ऐसा माहौल बना रखा है कि घर भी पूरी एक तरीके से जो छोटे बच्चे के लिए जिम होनी चाहिए वो अवेलेबल है। ये वही टाइप का गेम खेलती है ये, चिनअप करती रहती है, पुशअप्स करती रहती है, उसको किक बॉक्सिंग करती रहती है, तो घर पे भी यही काम है इसका, दरवाजा दिखा दरवाजे पे चढ़ गई यही सब करती रहती है। गुड़िया एक बार किक मार के दिखाइयो, किक वाक्य में भी प्रेशर वाली है, ये तो हाथ है और किसी का मुंह तो दांत तो टूटे जाओ भाई। इनोसेंट इनोसेंट गर्ल। अच्छा एब्स बना रखे हैं? एब्स बना रखे हैं जी, एब्स देखते हैं इसके। क्या बात है, हाथ डालो अपना और गेम्स में 5-4 पदक तो यह जीत लेगी, रेस में, ताइक्वांडो में, जूडो में और कई गेम तो यह छोड़े नहीं, लोगों के लिए कंपटीशन और मुश्किल होने लग रहा है। देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। और इससे हमने एक वादा कराया भाई साहब से कि 6 महीने बाद हम फिर मिले भाई साहब। 6 महीने जब आप मिलेंगे तो इसका अलग रूप देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि ये मेरे छोरे ने दोबारा डबल स्पीड से आराम है, पूरी उम्मीद है, उम्मीद है ना, पूरी उम्मीद है भाई साहब। तारी भी शायद रहे, तारी भी प्रैक्टिस करूंगा, कदे हरा दिया था हमने। ठीक है ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, ओके, बहुत बहुत थैंक यू भाई जी, थैंक यू। तो भाई फिर मिलते हैं हम इस गुड़िया के साथ आफ्टर 6 मंथ, तब तक देखते हैं कितने कंपटीशन ये जीतेगी, कितने कंपटीशन या किस लेवल तक जाओगी। और हमारी दुआएं हैं और पूरे देश की दुआ है कि इस लड़की को भी, मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूं और बड़ी जो मीडिया है वो जरूर कवर करें। अरे ये जरूर देखा है भाई, छोरी में हिम्मत है और मेरा किक मार देखो तो भाई बहुत हिम्मत है, और वाक्य में बड़ी मीडिया इसको जरूर कवर करें और दिखाए कि हमारा टैलेंट कहाँ है, वहाँ पे हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को लगेगा कि भाई हाँ लड़कियाँ हमारे देश में राज कर रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।